माया जाल में नहीं है सर, माया जाल वाली है। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश, ना अभी और घोष कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ कोशिश करें। कोई फायदा नहीं, मुझे लगता है वो नहीं रहे, तो हमें उसकी जरूरत है। मालूम था यही कहोगे, तो क्या फिर ज़ायन वापस चले? नहीं, अगर वो यान उड़ने लायक है, माया जाल की हर पाइप, हर छेद, हर दरवाजा छान मारो। कैप्टन, ये सभी पाइप मशीनों से भरे पड़े और छान मारो जितनी जल्दी हो सके माया जाल का चप्पा चप, तो उन्हें जल्द ढूंढना ही बेहतर होगा। ये खाना तुम्हारे लिए है, चल पड़ा। शुक्रिया। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। वो कैसा है? ये होश में आने तक तो ठीक ही रहेगा, और पूछने वाले हैं जिसके। क्या मतलब? कैप्टन इससे कुछ सवाल सही सच्चे जवाब चाहेंगे। ये निशान वो किस लिए? होगी कोई बीमारी, मैं देख रही हूँ, लगता है ये इसने खुद बनाया, नहीं जानती। पर कोई झूठ नहीं चलेगा, वो सच सुनना पसंद करेंगे। रोलैंड, मैं दोबारा नियो के लिए। वो माया जाल में कैसे? माया जाल में छानबीन करना चाहूंगा। वो किस लिए? हो सकता है वो तो उससे जुड़ा ही नहीं है। प्लीज मेरी खातिर। ये बात मुझे हमेशा सताती रहती है, क्या उसकी दिमागी तरंगे किसी कोमा के मरीज जैसी नहीं है? इस तरह की तरंगे मुझे हमेशा जब कोई माया जाल से जुड़ता है दिखाई देती रही हैं। कहाँ? नियो माया जाल में नहीं सर, चप्पा चप्पा छान मशीनें पहुंचने वाली। कितने घंटों में? मशीन 20 घंटे के अंदर ज़ायन शहर पहुंच जाएगी। नानों के दाखिल होने का वक्त और पिछली रफ्तार के हिसाब से वो भी जाने क्या होगा। के तस्वीर संपर्क जारी रखो, मौत ठीक है, सावधानी से आगे बढ़ो। एक सर, यान की अग्नि और पिछली बंदूकें हर वक्त तैयार करो। जी सर। रुके रुके, नाथ रखो, यान की ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल। रुके, आपके लिए फोन है। किसका? सरफ का है। ऑपरेटर, ये पैगाम है, आपको तुरंत यहां आना होगा। ओरेकल का आपके तुम कौन हो? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सती है, आप नियो है ना? नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं शादा। मेरे पापा कहते हैं कि आपको यहाँ हो गए हैं, क्या आप रास्ता भूल गए? मैं कहाँ हूँ? ये एक रेलवे स्टेशन है। तो ये माया जाल नहीं है? वही तो जा रही है ये ट्रेन, हम भी वहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं? वो आप खुद पर, आप हमारे साथ नहीं जा सकते। वो नहीं जाने देगा, जाने लगता मुझे, पर पापा कहते हैं कि हमें वही। वो कौन? वो ट्रेन मैन, वो अच करना चाहिए जो ट्रेन मैन कहे, वरना वो के लिए नहीं हो, वो यहीं छोड़ देगा हमें जिंदगी भर। मॉर्फियस, ट्रिनिटी, यहाँ आने का शुक्रिया। मैं समझ गई हूँ कि कुछ भी आपकी मर्जी के एक चीज में इतने साल अनुसार नहीं होता। कौन हो? कौन? मैं ओरेकल हूँ। काश अपने इस बदले हुए रूप की वजह समझा सकती, अफसोस ऐसा होना था, लेकिन नहीं। अफसोस मैं अपने उस रूप में नहीं बैठी हूँ जैसा याद था। हुआ क्या बताएंगी थे तुम्हें, पर वैसा होना नामुमकिन। मैंने एक चुनाव किया और उस चुनाव की मैंने हद तुम्हारी मदद करने से ज्यादा कीमत चुकाई। कैसा चुनाव? नियो का मार्गदर्शन करना और चुनाव दोबारा करना है, ये जानते हुए का असली इम्तिहान तो अब है, जब मुझे वही चुनाव की उसकी क्या कीमत चुकानी होगी। तो बेहद खुश हूँ क्योंकि, लेकिन हाँ, मैं अपने चुनाव, वही चुनाव मैं दोबारा कर, हाँ वो ही। नियो को क्या हुआ आप खुद जानती हैं? वो एक ऐसी जगह में फंसा है जो इस दुनिया और मशीन जगह का नियंत्रण करने वाले प्रोग्राम का नाम है, इन्हीं दुनिया के बीच में है। उसे ट्रेन मैन,
वो उसके जरिए पूछता है। अगर उसने नियो के ट्रैम्स को मायाजाल के अंदर और बाहर भेज ठिकाने को तुमसे पहले ढूंढ लिया तो क्यों? क्योंकि वो ट्रेन में फिर हमारे लिए चुनाव करना बहुत मुश्किल होगा। तुम सबको खत्म करने वाले को वो इन हमारे दुश्मन का है, मेरोविंजियन का इनाम देने वाला है, इसलिए हर वक्त सावधानी। ब्रेनमैन कहाँ मिलेगा? ये तुम्हें वहाँ तक ले जाएगा, बरतनी होगी। सैरव जानता है कि वो सालों तक इसने हिफाजत की है मेरी, ये तुम्हारे लिए भी वही करेगा। उम्मीद है कि मेरे साथ आइए प्लीज। ओरेकल, शक के साए तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई जानती हूँ मॉर्फियस दे रहे हैं। जो भी हुआ उसके बाद आप पूरा भरोसा कर लो? ऐसा नहीं है। कैसे अपेक्षा करती है कि मैं आप पर? मैं वही अपेक्षा करती हूँ जो हमेशा से काम लो, मुझ पर भरोसा करो या ना कर करती रही हूँ, वो ये कि तुम अपने दिमाग लो। इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि तुम्हारा दोस्त, उसे हम सब लोगों की मदद जिस मुसीबत में है, उसे सिर्फ तुम्हारी ही नहीं। आप मा... नहीं मतलब रहता था मैं जा के रहने वाली है। हाँ। वो क्यों छोड़ा? देखो ना, मुझे भी अपना घर छोड़ना पड़ा। थी कोई वजह? सती यहाँ आओ बेटी, उस बेचारे देखो, आराम से बैठने दो। जी पापा। मैं आपको जानता हूँ। माफी चाहता हूँ, ये शरारती लड़की है। हाँ, आपने मुझे फ्रेंचमैन के होटल, मेरी बीवी कमला, मेरी बेटी सती देखा था। मैं रमा कांद्रा हूँ, ये है मेरी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं पावर प्लांट में चीजों को एक, आप सब प्रोग्राम है? ओ हाँ, नया रूप देने वाले केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ और ये काफी होशियार है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बीवी पावर प्लांट की खास प्रोग्रामर। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। कमला, बीवी बड़ी मुंह फट है। मैं माफी चाहता हूँ। मेरी कोई बात नहीं, मेरी कौन सी जगह है? ये कोई जगह नहीं है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। मैं ये भी नहीं जानता ये कौन। ये आपकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच है। वो काम करता है फ्रेंच मैन के लिए। कौन है ये ट्रेन में? ये मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो और ना ही कभी माफ करता है। उसे जानते हो? फ्रेंच मैन ना कभी बोलता है। मैं सिर्फ वही जानता हूँ जो जरूरी होता है, रहते हैं अपनी दुनिया में, जो वहाँ का नहीं है। तो आपको मैं ये जानता हूँ कि अगर आप हमारी दुनिया से कुछ ले जाना चाहे फ्रेंच मैन के पास जाना पड़ता है। तो क्या इसे असलियत बताना जरूरी है कमला? इसीलिए आप यहाँ आए हैं। रमा बस भी करो, शायद ये जिंदगी में फिर कभी किसी से आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं भी ना मिल सके। कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। जवाब एकदम सीधा है। मेरे ख्याल से वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत देन है। मैं अपनी बेटी को बेहद प्यार करता हूँ, पर जहाँ से हम आए हैं वहाँ इतना कसद होता है, मकसद पूरा न होने पर उसे हमेशा के लिए नष्ट काफी नहीं है। हर प्रोग्राम का एक मकसद कर दिया जाता है। बचाले, मैं फ्रेंच मैन के पास गया कि वो मेरी बेटी को। इतने हैरान क्यों? प्यार की बात करते नहीं सुना? ये दरअसल मैंने कभी प्रोग्राम को प्यार तो एक इंसानी जज्बात है। नहीं, ये रखता है कि ये कहां संबंध जोड़ता है। ये एक शब्द है, मायने। अच्छा, लगता है किसी को चाहते हो। ये बताओ कि उस संबंध को बनाए रखने के लिए तुम क्या कर सकते हो? हम दोनों के यहां होने की वजह शायद जा सकते हो। कुछ भी अलग नहीं है एक दूसरे से। मैंने कहा तू वो रहा ट्रेन में, तू रहो मुझसे। देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें। चले जा, मैं मदद नहीं कर सकता। कोई भी तुम्हारी मदद हो, दूर हो जाओ मुझसे। सिर्फ मदद चाहिए तुम्हें। नहीं कर सकता।
पहले देर हो चुकी है। ट्रेन कब आने वाली है? ट्रेन मैन तो कभी ऐसी देरी नहीं करता, कह नहीं सकता, कोई नहीं जानता है। क्या आपको लगता है इसका मुझसे कोई ताल्लुक है? कुछ सिवाय ओरेकल के। आप जानते हैं? फ्रेंच मैन को मिलने से पहले मैंने उनसे बात की थी। ओरेकल को? सब जानते हैं ओरेकल को। उन्होंने वादा किया था कि हमारे बाद वो सती का इसके साथ नहीं रहेंगे, ये नामुमटाल रखेंगे। तो फ्रेंच मैन ने सिर्फ हमारी बेटी बीवी को और मुझे अपनी दुनिया में लौटना होगा, क्योंकि जान बचाने की बात मानी है मेरी। यही हमारा कर्म है, प्यार जैसा। आप मानते हैं कर्म को? कर्म एक शब्द, ये कहने का एक तरीका है कि मैं मुझे अपने कर्मों से, मैं इसके लिए शुक्र यहाँ किस लिए आया हूँ, कोई गिला नहीं गुजार हूँ। शुक्र गुजार हूँ कि मुझे एक अच्छी बीवी मिली है और इनकी भलाई के लिए कुछ भी करूंगा मैं। ये खूबसूरत बेटी मिली, ये तोहफे, सामान ले लो जल्दी। पापा हमारी ट्रेन। हाँ, अपना मैं सामान उठाने में मदद करूं। ठीक, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। ये दोस्त है रमा। ये कौन है? मैं तुम्हें जानता हूं। मायाजाल में लौटना है तो इसलिए वो यहाँ आए थे। तुम्हें मुंह मांगी की मत दूंगा। ओ, नहीं 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 नहीं, तुम चाहे जो भी करना पड़े, मुझे इस ट्रेन में जाना है। तब तक यहाँ से नहीं जाओगे जब तक कि मैं रोहिता हूँ, तो तुम एक लंबे अरसे तक यहाँ रहने वाले हो। जैन इजाजत नहीं देते अगर मैं उसे जानूं। देखो मुझे यहाँ से ले चलो, ये जगह मैंने बनाई है, जाओ। नहीं ले जाता, यहाँ चलता है मेरा हुक्म। यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। यहाँ रात चलता है, मैं ट्रेन में बैठो वरना यहीं रुकना पड़ेगा। जानती है आगे क्या करना। नहीं, हम जानते हैं क्या करना है। शुक्रिया। यहां पर ये तो सैरफ है, यकीन नहीं होगा। उससे मिलना था, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा। चाहता हूं मैं उन तक पहुंचने के लिए आश से बदल रहा हूं। जैसा तुम चाहो सैरफ, तुम्हें मेरी हथियार नहीं ले जा सकते वाली, एक लड़की मिल सकती है, और अगर लग गए इस लिफ्ट के बाहर हमें कोर्ट लेने में तकदीर अच्छी है तो एक हथियार जांचने वाला आदमी, तो वहां कई आदमी होंगे। तकदीर ने साथ ना दिया था क्या? मैं आपका कोर्ट No.
ये भी आया है, मुझे यकीन नहीं। तो पंखीन फरिश्ता लौट आया, इन्हें सौंप कर इनाम लेने आए हो, देर की मेहरबान। आते आते सरफ इतनी गोलियां होंगी तुम्हारी पिस्तौल में, मेरे ख्याल से जितनी अच्छा बताओ कितनी भी होंगी मेरे आदमियों के लिए काफी नहीं होंगी, जरूर करनी होगी। आखिर क्या हमें बात करनी है तुमसे? ओ हाँ, कुछ नहीं किया यहाँ पहुँचने के लिए तुमने, अपनी बंदूकें फेंक दो और मैं बात, मैं एक मशवरा दूं, दा करता हूँ कि सही सलामत यहाँ से जाने दूंगा। हाँ दोस्त हो ना, तीनों को यहाँ से जाने दोगे? हाँ हाँ बदलता है रंग, कौन कह सकता था कि हम एक दूसरे से दोबारा अंगासमा कैसे कैसे इतनी जल्दी मिलेंगे, और क्योंकि तुम मेरे नन तकदीर के खेल भी निराले हैं, ने फरिश्ते इन्हें यहाँ लाए हो तो मैं सब लिया है, निराश समझ गया हूँ कि ओरैकल ने दूसरा शरीर धारण कर शाह हुई, पर हैरानगी नहीं हुई मुझे, ने की अक्ल है ये याद रखने की समझ, उम्मीद है इसके बावजूद उसमें सबक सीख भी कि हर ऊंची हरकत का अंजाम बुरा होता है, कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर तुम कुछ लेकर जाते हो मुझसे तो उसकी। तुम जानते हो हम क्यों आए हैं? किस तरह का सवाल हुआ, अच्छी तरह से जानता हूँ, जानो कमाल है ये, वैसे उत्सुकता बहुत है ये जानने की, नहीं तो मेरा काम है तुम्हारा हर बार मदद मांगना लोगों को इत्तफाक लगता होगा, मुझे नहीं। नहीं नहीं, ये सब हुआ कैसे बताओगे, तुम जानती हो हम एक सौदा करना चाहते, लगता तो नहीं है फिर भी पूछ लेना ठीक होता है ना मॉर्फियस, हर वक्त सीधे काम की बात करते हो, है जो तुम्हें चाहिए मगर ठीक है, मेरे पास कुछ सौदा तो तभी होगा जब तुम्हारे पास कुछ है ना, जो जो मुझे चाहिए, और अच्छी बात यह है कि ऐसा कुछ है जो मुझे चाहिए जो मैं यहाँ आने के बाद पाना चाहता था, कुछ ऐसा, लेकिन कहते हैं वो खुद पाया जा सकता है, वो क्या नहीं जा सकता, वो सिर्फ दिया, ओरैकल की भविष्य देखने की शक्ति, जैसा कि मैंने, अब ये कुदरत का ही तो कानून है जो तुम्हें दोबारा में पहले भी कहा है कि हम कुदरत के कानून से नहीं बच्चे पास ले आया, कुछ इसे इत्तफाक के, कुछ इसे मौका कहते हैं और मैं कहते हैं, लेकिन मैं नतीजा कहता हूं, सौदा मुझे ओरैकल की शक्ति ला कर दे दो और मैं तुम मेरे ख्याल से तो बहुत ही सही और किफायत तुम्हारा नियो दे दूंगा, आईटी सौदा है मेरे पास इस बकवास, हाँ या ना आपके लिए बकवास, तुम हमें नियो सौंप दो वरना सब, तुम सौदा करना चाहते हो तो फिर ये सब जान से जाएंगे यहीं और इसी वक्त। अच्छा सौदा है, क्या इस शख्स के लिए इसमें कोई शक, वाकई मरने को तैयार हो तुम? ये मार देगी जैसा बहुत चाहती है ये उसे, ये कहती है वैसा करो वरना ये जान ले लेगी, कितनी अजीब बात है ना, प्यार हो जाता है, बहुत हो गई बकवास, या पागलपन दोनों में ही इंसान दीवाना, क्या फैसला किया जल्दी बताओ तुम।
खुद यहां आए थे, खुद ही को यहां से निकाल सकते हो। हमें निकालने के लिए तैयार हो? दरअसल नियो मिल गया आपको? तुम्हें वो दिखाई दे रहा है? असल कंप्यूटर पुराना है इसलिए वक्त लग रहा है। नहीं सर, यहाँ पर कोई था पर कहना मुश्किल है कि वो कौन। और अगर से बात किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। क्यों? यही सो ये आखिरी मौका है। बात का राज है अपने हाथों का। कुकीज को भी हमारे प्यार की जरूरत हो, इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों होती है? निया हमारे आने से पहले तैयार होगा। ओ। मुझे उम्मीद थी कि तुम खैर छोड़ो। देखो तुम ये सैरफ को दिखाओ और पूछो कि ये पकाने को रुसती। अब वक्त है इसका स्वाद चखने का। तैयार है कि नहीं? ठीक है। मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। जानते हो कुछ हद तक। हाँ तो तुम मुझे यही तो है माया जाल। कुछ हिस्से मैं खुद आईने में अपना चेहरा नहीं पहचान, खो जाते हैं। कुछ हिस्से बरकरार रहते हैं पति पर। मुझे अभी भी चॉकलेट पसंद है। नहीं शुक्रिया। याद है अजीब कश्मकश में घिरे हुए जब पहली बार तुम मुझसे मिलने आए थे तो कैसे थे, और आज देखो तो खुद को बिल्कुल पहले की तरह। आपने भी मुझे काफी वाकई नहीं हो चौंका दिया तुमने मुझे। चौंकाया है। यहाँ पहुँचने में बहुत मदद की पर सवाल यह है कि क्यों? उम्मीद है कि तुम्हें मुझसे मदद मिली। आपने मेरी इसका मकसद क्या है? नहीं जानती या बताना नहीं चाहती मुझे? इसका अंत कहाँ होगा? नहीं जानती। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम जिसे कोई भी नहीं देख सकता, चुनाव को समझते नहीं, उसके परे नहीं देख सकते। कैसा चुनाव? ये बताने से फर्क नहीं पड़ता, ये चुनना है जैसे कि तुम्हें चुनना है। तो मुझे क्या बता? मेरा चुनाव है, मुझे एक रास्ता चुनना है। और क्या नहीं बताना ये भी इसमें शामिल है? पर मैं क्यों नहीं बताया जायन और मुझसे पहले है? बिल्कुल नहीं। फिर आपने मुझे रचा था कि वो शक्तिमान के बारे में क्यों छुपा कर रखा सच्चाई? जानने का वक्त नहीं था। किसने तय किया कि वो वक्त नहीं था आपको? क्योंकि वो तुम्हारे तुमने नियो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि मुझे कुछ और बातें जाननी मैंने किया चाहिए? लगता तो है। पहुंचा जबकि मेरा शरीर कोमा में था। ये बताइए कि मेरा दिमाग स्टेशन पर कैसे गया, कि मेरे एक आदेश पर चार मशीनें कैसे रुक गईं? ये बताइए कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सर्वशक्तिमान तुम्हारे दिमाग की शक्ति इन सीमाओं को लांघकर वहां की शक्ति इस दुनिया से कहीं ज्यादा है पहुंचती जहां से वो आई है। कहां? उसी शक्ति को महसूस किया पर तुम उसके लिए वो असीम शक्ति उन मशीनों को छूकर तुमने वे तैयार नहीं थे। तुम्हें मर जाना चाहिए था पर जाहिर है तुम उसके लिए भी तैयार नहीं थे। रचयिता ने कहा कि अगर मैं अस्त हो जाएगा बस करो। असीम शक्ति तक नहीं पहुंचा तो जायन आधी रात को तुम और मैं तो शायद अपने चुनाव से आगे कुछ भी देख सकता है। क्यों नहीं? ये कुछ नहीं देख सकते पर रचयिता तो चुनाव से आ क्योंकि वो उन्हें नहीं समझता और न चाहत का फेरबदल है। एक वक्त पर एक उलझता है उस आदमी के लिए ये सिर्फ हिसाब को समझकर उसे सुलझाया जाता है। संतुलन बनाए रखना और आपका और यही उसका मकसद है। हिसाब मकसद क्या है? संतुलन को आप क्या चाहती हैं? मैं वही चाहना। क्यों? चाहती हूँ जो तुम चाहते हो नहीं हो यानी इस युद्ध का अंत। और इसके लिए मैं कोई भी हद पार करने को तैयार। लेकिन क्या इसका अंत होगा? होगा ही। क्या जायन को बचा
किसी ना किसी तरह तो हो जा सकता है। आप नहीं है पर माफ करना, मेरे पास इस सवाल का जवाब, अगर कोई जवाब है जगह, वो कहां? तो वो तुम्हें मिलेगा, सिर्फ एक तुम्हें मालूम है। तो अफसोस ये हमारा, और अगर तुम उस जवाब को नहीं ढूंढ सके, सारी दुनिया का आखिरी दिन कहलाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? होती है उसका हर चीज जिसकी शुरुआत व अंत भी है। अंधकार दिख रहा है फैलता हुआ, अंत दिख रहा है मुझे, और दिख रही है मौत। स्मिथ, और तुम उसके रास्ते की अड़चन हो, बहुत जल्द मिलने वाली है, पर मुझे यकीन है कि वो यहाँ नहीं रुक। उसे दुनिया को तबाह करने की शक्ति में लगता, वो तब तक नहीं रुक रोकेगा उसे। तुम रोकोगेगा जब तक कि सब खत्म नहीं होगा। कौन? तुम्हारा विपरीत, तुम्हारा वह जो संतुलन बनाने के लिए गया था, बुरा रूप, ये उस हिसाब का नतीजा। और अगर मैं उसे नहीं रोक पाया तो? किसी न युद्ध का अंत तो होगा ही, किसी तरह से नहीं हो, इसी आज रात इन होगा या फिर उसके, दोनों दुनिया का भविष्य तुम्हारे हाथ में हो। कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? अकेला छोड़ दो मुझे। कैप्टन रोलैंड, क्या हुआ मैगी? अब समझा। कैप बेन ठीक है सर, उसे होश आ गया है। अच्छा है, अब सवालों का जवाब मिल जाएगा। पसंद है मुझे ये खुशबू, बहुत इसकी याद बहुत सताने वाली है, जानती हूँ। ओरेकल, जानती हूँ। सती बेटा, कुछ कुकीज लेकर सरफ के साथ जाओ। कल यहाँ वापस आ सकती हूँ? मैं वापस आना चाहूंगी, मिलते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ। ठीक है तो कल मैं... उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। सारफ, आओ। मुझे डर लग रहा है। पीछा कर रहा है। वाह वाह, कहाँ खोए रहे तुम दोस्त? ना बिल्कुल एक साए को ढूंढने की तरह है। तुम्हें ढूंढ, तुम मुझसे पहले भी हार चुके हो। हालात थोड़े अलग हो गए हैं। वो तो ठीक है, पर जैसा कि देख रहे हो हालात, और तुम मायाजाल, और ओरेकल ने तुम्हारे बारे में बताया था मुझे, वाकई को बचाने वाली आखिरी कड़ी हो। उन्होंने क्या कहा मेरे? ओ, एक बार मुझे पहचाने में, यही कि आप बुरे आदमी हैं। हेलो, तो मैं इतना बुरा भी नहीं हूं।
शक्तिशाली और माही गई। हान और एकल मुलाकात हो, आपको तो पता होगा सर्वज्ञाता और एकल का कि मैं आने वाला हूं, है ना? अभी हैरान नहीं होती, हो भी कैसे सकती है? वो तो ये सच है तो ये जानते हुए भी कि मैं आप सब जानती है, पर अगर आने वाला हूं वो यहां बैठी क्यों है, गई क्यों नहीं? आप शायद अगर आप जानती थी तो आपने कुकीज बनाकर ये तस्करी जानती थी कि मैं ऐसा करने वाला हूँ या शायद नहीं, ठीक यहाँ पर रखी जानबूझकर, वो भी एक मकसद से और किसी खास मकसद से की। आपने ये सारी हरकत जानबूझकर क्या किया तुमने सती के साथ? है मेरी माँ। कुकीज को भी हमारे प्यार की जरूरत। तुम बहुत कमीने हो, आप ही का बनाया हुआ। जी मम्मी, जो करने आए हो करो। काश मैं आपकी मदद कर पाता, पर क्या करूं? तुम्हारे बाजू पे ये निशान कैसे? मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये निशान तो काफी पुराने लग रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं सर, हाँ लग तो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद पर, मैं खुद को इस तरह जख्मी क्यों करूंगा बनाए हैं। पर हाँ, अगर उस वक्त, पर अगर मैं आप से बाहर हो गया हूंगा तो मैं नहीं हूं तो कौन हूं मैं? इस आदमी की आप लोगों ने दिमाग पर इनकी दिमागी नसों की हरकत की जांच की? जी सर, जांच तो की थी। बहुत ही अजीब है, बस कुछ नसें बने हैं जिससे दिमाग के ऊपरी हिस्से को नुकसान, बताती हैं कि यह हाल ही में किसी हादसे का शिकार हुआ पहुंचा है। मुझे सच जानना है, इसके साथ चाहे जो भी करना पड़े, इसकी याददाश्त वापस लाओ। सर, यान मिल गया। लोग बस जी। हाँ सर, चलो कोई तो खबर अच्छी मिली। नहीं सर, किसी मनुष्य के होने के संकेत मिल रहे हैं? कुछ नहीं। लोगस यान का क्या पता चला? यान के पिछले भाग में आदमी तैनात करो। तस्वीरें बताती हैं कि यान सही सलामत है। जी सर। जल्द उस यान का तकनीकी मुआयना करके मुझे बताओ, और सुनो जल्द से जल्द ने एकदम से हमला कर दी है, चाल भी हो सकता है। संभल कर सर।
ये आवाज। हथियार एक तरफ रख दी। नायोबी। मॉर्फियस। जी, इसकी सिर्फ बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी। ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वहाँ क्या हुआ हमें पता ही नहीं चला। अफसोस है। ठीक है, तुम्हें देखकर खुशी हुई। हाँ, तुम्हें ये कैसे पता चला? और एक नियो को निकाल पाए कल से? उन्हें देखा क्या? मशीनों के हमला करने से, वही जो हर वक्त कहती हैं, से ठीक पहले। क्या कहा उन्होंने? वही सब जो मैं सुनना। लगभग 12 घंटों में मशीनें ज़ायन चाहती थी। बंदरगाह की दीवारें तोड़ देंगी। पिछले हमलों से ज़ायन शहर के अंदर दाखिल हो जाती हैं, तो बचने किस पता चलता है कि एक बार जब मशीनें संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए हमें उन दिए, अगर हमने ऐसा कर दिया तो दानों मशीनों को बंदरगाह के अंदर ही नष्ट कर देना चाहिए। शायद हम अपने दुश्मन को शहर में दाखिल होने से रोक सकते। तो सिर्फ एक ही जगह है जहां हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अगर नहीं दे सकते हैं, वो है हमारे मंदिर का द्वार, जिससे हम आसानी से अपने बचाव पर ध्यान। वो इतना छोटा है कि वो वहां से झुंड में नहीं निकल सकेंगे। लॉक, हमने सुना है कि वैसे तुम्हारी ज़ायन शहर वाली तुम्हें और सेना की जरूरत है। ठीक सुना है। योजना में तुम्हें कितने योद्धाओं की जरूरत पड़े? और आधी पैदल सेना। कहीं तुम पागल देगी? इस वक्त हमारा सारा एपीयू दल तो नहीं हो गए? अगर फैसला मैं करूं काउंसिलर, मैं बंदूक थमा दूं और सीधे बंदर का भेज दूं लड़ने के लिए, तो ज़ायन शहर के हर आदमी, औरत और बच्चे के हाथ। फैसला तुम पर नहीं छोड़ा, शायद इसी में सबकी भलाई। कमांडर, सिर्फ एक और सवाल है। ये तो वक्त ही बताएगा काउंसिलर। तुमसे नेबुकदनेज़र यान भी नहीं सकते कि उनकी कभी कोई खबर मिलेगी। मुमकिन कोई खबर मिली? कुछ नहीं, इस वक्त तो ये सोच भी नहीं, पर उम्मीद तो कर। ये वक्त नहीं है काउंसिलर। सकते हैं, मेरे पास उम्मीदों में खोए रहने के लिए। मिसाइल तैयार कर रही हूँ। वो हमारी मंजिल। जी, क्या कर रही हो? ये लोग को खाली करवा रहे हैं, हमें जाना होगा। मैं तुम्हारे काउंसिल ने नए योद्धाओं की मांग की है, मेरे साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम लोग यहीं रुको, जानती हो तुम्हारी जज्बातों को। मैं लिंक से प्यार करती हूँ, पर तुम्हें रुक नहीं सकती। मैं मजबूर हूँ। क्यों? उसे उतना ही चाहती हूँ जितना कि वो मुझे, तो लिंक भी यही करता। अगर मैं ज़ायन से बाहर होती तो मौत के मुंह में जा रही हो। ये पागलपन ही सही। ये पागलपन है जी। पर तुम बताओ, अगर आज डोजर होता और तुम ये तो तुम क्या करती? जानते कि उससे मिलने के लिए ज़ायन की सुरक्षा जरूरी है। मैं भी यही करती। गलती हो गई सब। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? लेकिन मैं देख नहीं पाया। नया योद्धा सर, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे तुम हो कौन? एक तुम जैसे पिद्दू दूध पीते बच्चे। अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ सर। हमें बंदरगाह मेरे दल में योद्धा बनना चाहते हो? मैं आपको बचाना होगा। इतने साल कहते तो भी मैं मान लेता। 18 अगर 16 ठीक है, 16 का तो योद्धा बनने के लिए। उन मशीनों को उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 जरूरी है, 16 साल नहीं चलेगा। वो तो खत्म करके छोड़ी मुझे। एक मौका तो दीजिए सर। है ना ये कड़वासत बच्चों, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं भी उन मशीनों जैसा क्रूर पेश आऊंगा, समझे? निराश किया तो समझ लेना। ठीक है, इंजन चार्ज करो। शुरू हो गया। तुम चाहो तो मैं ये कमाल होगा। और जरा यान के शीशे माया जाल के कंप्यूटर प्रोग्राम से संपर्क जोड़ो। स्पार्क्स भी साफ कर देना। मशीनें सही काम कर रही है, मैं यान शुरू रुक कर रहा हूं। सब ठीक है सिवाय लगता है कुछ गड़बड़ है माया जल के प्रसारण में। नहीं ऐसा नहीं है, आप भी वही देख रहे। जो भी हो रहा है शायद वो अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं, जो हम देख रहे हैं ये
सब क्या हो रहा है माया जाल में? मशीनों ने 21 नंबर पर कब्जा कर, हम इस संपर्क की सतह से नीचे चले जाएं तो शहर लिया है। जितना मैं समझ रहा हूं, अगर आज दुश्मन को चौंका दें, अंगों से दुश्मन को उड़ा देंगे हम। उम्मीद है पहले नीचे जाते हैं, फिर अपनी चुंबकीय विनाशकारी दरबड़ा छेद करके हम अपने निकलने का रास्ता बना लेंगे। इतना तो है, पर जहां तक मैं सोचता हूं, खत्म निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। नहीं, हमारी पाइपलाइन वो से नहीं है। एक और रास्ता है, इधर यहाँ तक आती है, जो 1000 मीटर दूर है। किसी से नजर बचाकर निकल जाएंगे चौकी से। तकदीर ने साथ दिया तो हम मशीन। ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ यान बकवास। मैं चला चुकी हूँ वो, सालों पहले लाना बहुत ही मुश्किल है। मैं चलाऊंगी। देखी बात है नायोबी, कहा ना चला, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, समझी तुम? आ सकती हूँ तो क्या, तुम चाहे कुछ भी कर लो। वक्त की कमी होती है हमारे। कैसे हैं सर? बस माफ कीजिए, मुझे आने में जरा देर हो गई। किस बात की? यही, पर मैं तसल्ली करना चाहता था कि क्या करना है मुझे। क्या? मैं घूम एक यान ले जाने की इजाजत चाहिए मुझे। वहां पर आकर कोई बात करना नहीं चाहता यहाँ। क्या तुम्हें कहाँ जाना है? मशीनों के शहर। जानते, ऐसा हरगिज नहीं कर सकते तुम, लेकिन इसे समझना मुश्किल है। नहीं, लेकिन जाना तो है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। नहीं पहुंच पाया, कोशिश करते हैं। आज तक कोई भी यान उसके 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं। क्या ये सब ओरेकल ने कहा तुमसे? अगर तुम्हें मरने का शौक है तो जाओ मरो, लेकिन यान ले जाने ये खुदकुशी है। आने की इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें। मेरी बात मान लो, मुझे यान का कप्तान हूं और ये मेरे हुक्म पर चलेगा। ये जाना ही होगा। बहुत हो गया, मैं इस तुम्हें यान सौंपने का मतलब है कि हम हमेशा के लिए इससे हाथ धो बैठना। ये मेरा यान ले जाए, देखो अपने यान के साथ मुझे क्या करना। ये क्या कर रही हो? करना है और क्या नहीं करना है ये तुम मुझे बता। ये यान खुद चलाऊंगी मैं, ये मेरा यान आने की जरूरत मत करना। ऐसा करके गलती कर रही हो नायोबी। ले जा सकता है, अगर हम 1 घंटे में निकले कैसा रहा ये आइडिया? बहुत तो मशीनों के साथ ही जायन पहुंचेंगे। घटिया, एकदम वाहियात। दो यान किसी भविष्यवाणी के शब्द जैसा लगाना मॉर्फियस, और दो दिशाएं। सर्वशक्तिमान पर यकीन कर, ऐसा क्यों कर रही हो? करती हो? नहीं करती। तो फिर मुझे नियो पर यकीन है। शुक्रिया। आराम देने के लिए, ताकि तुम्हारी याद। ये सब कुछ किस लिए? आदर्श लौटने में आसानी हो। तुम भला ऐसा क्यों चाहोगे? और अगर मैं कुछ याद ना करना चाहूँ तो? और अगर मैं वो मशीनें उड़ा दूं तो? और अगर वो यान को नष्ट करके मैं उन और सब आदमियों की मौत की वजह बन जाऊं तो? अगर ऐसा किया तो ये जगह मिलेगी ना, मेरे लिए बहुत ही सुरक्षित हो जाए। शायद ये तुम्हारे लिए उतनी सुरक्षित ना रहे। तैयार हूं मैं। ट्रिनिटी ना जाता हूं। मैं तुमसे कुछ कहना जो तुम्हारे, मैं जानता हूं कि मुझे चाहना लिए समझना जरूरी है, पर उसके बाद ये भी जानता हूं कि मैं जब बनती हूं तुम्हें लगता है कि तुम मैं उसी वक्त समझ गए जब तुमने कहा था कि तुम्हें बस नहीं आओगे, जाना होगा। तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा था, ये समझ गए कि मैं साथ चलने वाली हूं, ठीक वैसे ही जैसे तुम मुझे देखती। हाँ जानती हूं, मुझे डर लग रहा है ट्रिनिटी। मुझे भी हिम्मत जुटाने में थोड़ा सा वक्त लग गया। तुम्हें एक बात बताऊं, 6 घंटे पहले मैंने मेरोवेंजियन से ये करूं कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, और जानते हो इन 6 घंटों में क्या बदला है? कुछ नहीं,
बस हो गया सर। वक्त बहुत कम है, नियो ने कहा कि जरूरत नहीं है। नियो के लिए कोई हथियार नहीं छोड़े? सिर्फ दुआएं दूंगा, मैं अलविदा नहीं कहूंगा। शुक्रिया। जो करने जा रहे हो उसका अंजाम जानते हो? नहीं जानता। वैसे आपको देखकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ठीक है मौसर, ठीक कैप्टन, तो चलिए दुश्मन को उखाड़ फेंके। हमें देर हो चुकी, इनका ख्याल रखना। बाय मेरी जान। इंजन शुरू नहीं होकर देखती हूँ, कुछ फ्यूज हो गया होगा। मैं जब ये समझना चाहिए था कि वो पहले अपनी माशूक को भेजेगा। आज तक कोई तुम पे कितनी बार वार किया, लेकिन तुम हर बार बचो। से इतनी बार नहीं बचा जितनी बार कि तुम बची हो गई। हर बार लगा तुम्हें दबोच लिया है, मगर नहीं बता सकता कि ऐसा होने पर मेरा खून कि तुम हमारी हथेली से निकल जाते। मैं इतना खौलता है। ये किस तरह की मारने में उतना ही मजा आएगा जितना कि नियो को बातें कर रहे हो। तुम्हें मारने में आएगा। नियो, फिर पागल तो क्या है? की कीमत चुकानी होगी। कैप्टन, हमारा एक साथी जख्मी पड़ा है। कौन है वो? 27 किलोमीटर बचे हैं। कैप, मैगी है सर, वो नहीं रही। बेन ने उसे मार दिया। जानता था मैं, शुरू से ही मैं जानता था कि उस से मैगी पर वार किया। मेरा दिमाग खराब हो गया है। उसने हथियार लेती की उसे पहले ही मार देना चाहिए था। वो नहीं है। हमने पूरा यान छान मारा कैप्टन। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। लोगोस यान में। कोई फायदा नहीं, उन्हें हमारे मदद की जरूरत पड़ सकती। हम वापस चलते हैं, वहां बहुत खतरा है। क्यों? क्योंकि ऐसे हालात में अगर उसने उन्हें मार दिया है तो उसके पास ईएमपी हथियार होगा। उन्हें खुद संभालना होगा हमारी तरह। इस दुनिया मिस्टर, हमें भी आपके हर कदम को जानना आसान है। जैसे कि दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा पर मैं उस दुनिया में था। क्या? इसका तो एंडरसन जानते हैं कि शक्लें बहुत धोखा ध्यान है। मिस्टर एंडरसन एक पल में सब सुनती है, साफ हो जाएगा। मेरे लिए बंदूक लाने का शुक्रिया। ना, चलाओ उसे ठीक वहाँ रख दीजिए। नहीं ऐसा नहीं कर, गोली चलाओ। हाँ चलाओ, भून डालो, जिंदा जला दो। तो वो हमें मार देगा। तो मुझे गोली चलाओ। उसे नहीं मारा। जरा देखो उसे, वो जानता है सकता। गोली चलाओ। है क्या करना है पर वो नहीं करेगा। नहीं कर... अब अच्छे बच्चे की तरह घूम जाओ। जाने दो इसे। हमारी मुलाकात इस तरह पहले हालात जाने पहचाने से है ना, ये हो चुकी है। याद है या नहीं?
मुझे याद है, याद आ रहा कि याददाश्त नहीं है तुम्हारी। तुम हो कौन? अच्छा, मानता हूँ कि ये मानना भी मुश्किल है कि जिसकी हर सांस में बदबू है, कि ऐसे सड़े हुए मांस के लोथड़े में मैं मुझ जैसी शख्सियत समा सकती है। घिन आती है। कमजोर लोग कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं, नहीं होता, और उन्हें जीने का कोई हक वही चाहिए जो तुम्हें चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? एकदम सही मिस्टर एंडरसन। एक मेरी आत्मा को देखिए, देह और धसी हुई आंखों के पीछे छुपा बैठा देखिए उस शत्रु को जो इस कोमल शरीर। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हर जगह, ये सच है मिस्टर एंडरसन, मैं जा सकता हूँ हर जगह, तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। नामुमकिन नहीं है। ये नामुमकिन, यही होने वाला था। अलविदा मिस्टर एंडरसन। यही वो फ्यूज। अलविदा। खुद को देख सकते मिस्टर एंडरसन, एक अंधा मसीह या तुम पूरे मनुष्य जाति के प्रतीक हो मिस्टर एंडरसन। बेबस वाहियात इस दुर्गति से निकल चले जाने के इंतजार में हो। तुम्हें देख सकता हूं। यू मिस्टर एंडरसन, खेल खत्म खत्म नहीं हुआ। ज़ाइन में दाखिल हो जाएंगे। उन्हें हमला करने दो, खुदाई करने वाली मशीन। उन्हें पता ना चले कि हमारे पास सीएमपी नहीं है, उन्हें से बचना है। एपीयू दल से कहो वो अपनी जगह संभाले। जी सर। चलो जल्दी करो।
तुम सब मुझसे वाकिफ साथी हो, वो घड़ी आ गई हो, इसलिए मैं साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहूं, यही मरने का वक्त है तो यही सही वक्त है। अगर इतना ही कहना चाहता हूं, मशीनों के हाथों मरना है तो हम कि अगर हमें इन बाहियात सबक सिखा कर मरेंगे इन मशीनों को। पर आपस में एक सौदा करते हैं, लग रहा है। हाँ थोड़ा सा, तुम गोलियां भरती रहना, मैं चलाती रहूंगी। ठीक है। कितनी दूर है हम? डेढ़ के गए काम से, जरा देखो तो इन मशीनों को। शांत रहो, किलोमीटर की दूरी पर है सर। यान की गर्मी से बंद कर दो, हम खुद यान चलाएंगे, दुश्मन को खबर हो जाएगी। घोस्ट ऑटोमेटिक सिस्टम बन को आवाज ना आए, इससे यान की ऊंचाई कम होने लगेगी। आराम से मेरी जान। 700 मीटर बचाए, बस द्वार के करीब पहुंच। वो रही 600 मीटर, नहीं पूरा जोर लगाएंगे। अपनी जगह संभालो, योजना नाकाम रही। इतनी जल्दी उनको भूलना है हमें। घोष तुम हमारे सबसे अच्छे, संभालो निशानेबाजों, भून डालो उन्हें। मॉर्टियर उसकी जगह, हम कामयाब होंगे। मशीनें आ गई, केदार सफर के लिए तैयार हो जाओ। रोलैंड आहिस्ता चलाओ, ये लोगोस नहीं है। नहीं जानता था कि ये यान ऐसा भी कर सकता है।
हमें उस वाहियात मशीन को नष्ट करना है। कहाँ है मेरी पहन? आपने देखा वो रेडियो सिस्टम तबाह कर देंगे। ये मशीनें, वो मशीनें आ रही है। पूरा बंदर का मशीनों से भरा पड़ा है। लेकिन ये मशीन नहीं लग रही सर। क्या? ये नामुमकिन है। अभी तस्वीरों से लगता है हमारा कोई यान है। पता चल जाएगा सर। उनसे संपर्क करो, कोई चांस से बात करवाओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। हाल है, ये यान हो ही नहीं सकता हमारा। कोई भी यान नहीं चला सकता। वो यंत्रों वाली लाइन है वहां पर। निचला हिस्सा 60 डिग्री 20%। 60 डिग्री कोशिश करो। मैं निकलना है। कोशिश कर रहा हूँ।
साफ है, यह हमारा है मरियान है, हो रहा है उसकी रफ्तार के मुताबिक वो 12 मिनट। ये कैसे हो सकता है भला? यान पर हमला 3 नंबर दरवाजे पर पहुंच जाएगी सर। हमारे ये और भी बहुत कुछ होगा, वो हमारी पूरी बचाव हथियार हर मशीन को खत्म कर देंगे, प्रणाली खत्म कर देंगे। अंदर ईएमपी से धमाका किया तो पूरा हो चुके हैं, बंदर का उड़ जाएगा सर। हम बंदर का दरवाजा नंबर 3 से जवाब नहीं मिल रहा। खोलो दरवाजा। अरे बहुत नुकसान हुआ सर, हमारा नियंत्रण नहीं रहा, हम नहीं खोल सकते। वो रहा निकलेगा बस तैयार हो, मुझे सहयोग दो। हमें पूरी पावर 90 पूरा जोर लगाकर यहाँ से बाहर निकलना है। देख रही चलो। मेरा साथ देना। वाकई तुम कमाल का यान चलाती हो। अभी घर मशीनें बंदर का घर नहीं पहुंचे, दरवाजे की क्या खबर है? आके अंदर रहे। जान जाना खतरनाक है। दरवाजे के जो नजदीक है उनसे संपर्क करो। हमारे कितने एपीयू दल वहां है? 13। ये क्या हो गया? मशीनें आ रही अब तो दरवाजा खोलना होगा। हमारा यान क्या सारे वजन तुम कर सकते हो, कम कर दो जल्दी, वक्त कम है। नहीं कर सकता, ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी कैप्टन। ये मेरे
बचाकर रखो। बारूद बचाकर रखो। हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमें मशीनों को उड़ाना होगा। कोई तो दरवाजा खोलो, आगे बढ़ो। मैं ये दरवाजा खोल सकता हूं। कर सकता हूं। कमांडर कैप्टन दल दरवाजा नंबर 3 की ओर बढ़ रहा है। टिकट को चेक कर। कैप्टन मिफ्यू 2 मिनट में यान पहुंचेगा। मिफ्यू का दल दरवाजा नंबर 3 पर पहुंच गया। कितना वक्त है कैप्टन मिफ्यू? नहीं सुन रहे हो तुम? कुछ तो कहो। उनका रेडियो खराब हो गया। मिफोनी, ये नहीं जानता कि तुम सुन रहे हो या नहीं। 2 मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट है कैप्टन। अगर सुन रहे हो तो हैमर यान को आने में, वो दरवाजा खोलने के लिए। तुम डेक पर जाओ। लिंक, तैयार करो ये एमपी को। यूं ही इतनी मेहनत नहीं की। हम पहुंच जाएंगे। बस पहुंच गए। तुमने कर दिखाया। नहीं, काफी अच्छी पाई। हमने कर दिखाया। लेटो। दिए। पर कुछ बदल? दुनिया में कुछ चीजें कभी नहीं बदल जाती हैं। शुक्र है, बदल तो जाती है। जी, जानती थी तुम आओगे। मैंने बताओ जो किया था। तुमने ये पहन लिया कैसी बात कर रही हो? मैं ये कभी नहीं उतारने वाला। तीन कैप्टन, एक यान। मैं मान लूंगा कि दूसरे। देखकर खुशी हुई जेसन। काउंसिल, तुम यान ऐसे ही बेतुके हालातों में खो गए होंगे। हमारी रिपोर्ट सुनने के लिए बेताब है, लेकिन मैं वहां नहीं, ये आप क्या नहीं आ पाऊंगा। मुझे किसी तरह यहाँ के हालात संभालने। क्या कह रहे हैं कमांडर? हमने अभी जैन को बचाया है।
यही तो मुमकिन अंजाम के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। उस ईएम मुसीबत है तुम लोगों के साथ, हरकत करते हो लेकिन के धमाके से हमारी मशीनरी का चीथड़ा चीथड़ा उड़ गया। एक मशीन यहाँ भेज देता, तुमने जायन शहर को बचाया। अगर मैं उन मशीनों में होता तो इस वक्त अपनी नहीं उन्हें चांदी की थाली में परोस कर फेंक दिया। जल्दी से काटो, पुल पर कोई नहीं है। कुछ सुना? उस केबल को छोड़ दो तुरंत। प्रणाली दोबारा शुरू कराओ। मशीनें बंदरगाह पर है और वो पीछे हटने का हुक्म दो। मशीनें चाहिए। सब शाफ्ट को सील कर दो जल्दी। जल्दी करो। ये मशीनें जंग में जाओ। रास्ता साफ है, जल्दी करो। तुम्हारी बारी। यान दे दिया। ये सच है काउंसलर, मैंने दी। तो तुमने उन्हें अपना या? ये जानते हुए कि वो उसका क्या करने, उसके बारे में कुछ नहीं कहा वाला है। ओरेकल ने, उन्होंने मुझसे कहा था कि नियो को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। दुश्मन की पूरी बचाव प्रणाली के आगे उनके वक्त आने पर मैं चुनाव करूंगी कि मदद करनी है या नहीं। पर एक यान क्या कहर बरसाएगा? कहना सकती, वो अपने साथ कोई हथियार भी नहीं ले गया। उस मुश्किल है, उससे किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जा। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। नहीं नियो को ऐसा नहीं है। उठने वाला हर कदम उसकी आत्मा की आवाज है। वो सही है, मैं नहीं जानता कि वो मैं नहीं जानता कि वो जो कर रहा है मशीनी शहर पहुंचेगा या नहीं। पर मैं इतना पहुंचा तो मैं नहीं जानता कि वह हमें बचाने के लिए क्या करेगा। जानता हूं कि वो आखिरी सांस तक उन मशीनों से वो कभी हार नहीं मानेगा, हमारे लिए लड़ेगा और ना ही हम। तापमान कम हो रहा, चलने के लिए तैयार है। जल की खेती है ना, उन्हें महसूस कर रहा हूं। वहां है हमारा रास्ता, तो उस तरफ मैं दिखाई दे रहा है। तीन लाइन्स है, उसी दिशा में चलो। पावर लाइन्स कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट, मुझे नहीं मालूम। धत तेरे की। अब क्या करें कमांडर? अब तो सिर्फ कुछ ही देर की बात है, तब घुसाएंगे काउंसिल। मशीनें शहर की दीवारें तोड़कर अंदर को जायन के लोगों के साथ मंदिर के अंदर चले जाना चाहिए। प्लान वक्त कितना है? 2 घंटे। ये दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारे पास, उससे भी कम। और आखिरी हमले के लिए काफी बंदोबस्त कर रखा है मेरे आदमियों ने शहर के द्वार। मैं इससे कमांडर, क्या आपके ख्याल से हमारे बचने की कोई ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता काउंसिलर? उम्मीद है
ये सवाल मैं मॉर्फियस से करता। मैं आपकी जगह होता काउंसिलर तो खुद से ये सवाल। क्यों? क्यों? क्योंकि वो चमत्कारों पर यकीन करता है। उन पहाड़ों पर वहां जाना है। तुम्हें दिख रहा है वहां क्या है? हाँ, अगर तुम कहो कि हम पहुंच जाएंगे तो मैं मान जाऊं। हम पहुंच जाएंगे, पहुंच नहीं होगा। ऑन करो यान, चलो यार। फिर से आहिस्ता चलो। ट्रिनिटी, यहाँ हम पहुंच गए। हाँ, जैसा तुमने कहा था। आप बहुत ही खूबसूरत है। यह नजर चारों ओर रोशनी है। काश ये नजारा देख सकते जैसे पूरी जगह रोशनी से बनी हुई है।
तुम कहना क्या चाहती हो? तुम काफी कुछ दिखा चुके हो मुझे। क्या बात है? तिनी हो और साथ नहीं दे सक, जितना साथ दे सकती थी दिया। क्या? नहीं 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 नहीं, कोई बात, वक्त आ गया है। अब बाकी जितना कर सकती थी किया, इसका काम तुम्हें करना है। सायन को बचाना है, उसे सही अंजाम देना है। नहीं होगा, जरूर होगा, तुम्हारे बगैर नहीं। हाँ, तुमसे होगा, मुझे यकीन है, हमेशा से था। अकेला छोड़ के नहीं जा सकती ट्रिनिटी, नहीं जा सकती। जाना तो होगा, नहीं जा सकती। तुमने मुझे एक बार जिंदगी पर, आज मुश्किल है। तुम्हें याद है उस रात छत पर जब तुमने मुझे पकड़ा था? याद है उस वक्त तुमने कहा था हमसे? मैंने क्या कहा था? अरे काश वो ना कहे, वो मेरा आखिरी ख्याल था, मौके की ख्वाहिश की थी। मैंने एक और तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए कि मैं तुम्हें बेहद चाहती हूँ। शुक्रगुजार हूँ तुम्हारे साथ बिताए हर पल के लिए मैं कितनी, पर जब अपना प्यार देर हो चुकी थी, जाहिर करने की हिम्मत जुटाई तो बहुत, तुम मुझे वापस ले आए। ख्वाहिश पूरी की मेरी, एक और मौका दिया तुम से अपने दिल की बात कहने का। एक बस में और किस में को नष्ट करने का एक ही मौका है, और उस बंदूक को ऊपर, इन हथियारों को सही जगह पहुंचा दो। तुम्हारे पास मशीन चलाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ज़ायन शहर को अब तुम ही बचा सकते हो।
आपसे सिर्फ अपनी बात कहने की इजाजत चाहता हूँ, उसके बाद आप जो करना चाहेंगे करें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अब उसे बाहर हो गया है, जल्दी वो शहर, वो प्रोग्राम स्मिथ आपके गांव में फैल जाएगा जैसे कि वो माया जाल में फैल गया था, लेकिन मैं रोक सकता हूँ, उसे रोकना आपके बस की बात नहीं है। अगर ये सच है तो मुझसे भूल हो गई और आपको मुझे मार देना चाहिए। क्या कर रही है ये? क्या कर रहे हो तुम? मॉर्फियस, वो हमारे लिए लड़ रहा है। एंडरसन, स्वागत है आपका, आपकी बहुत याद आई। ये साजो सजावट पसंद आई? खत्म, वो तो हो ना। आज एक किस्सा नहीं था, मैं देख चुका हूं तो का लुत्फ उठाने वाले हैं, क्योंकि मैं इसीलिए मेरे बाकी हिस्से इस शानता हूं कि आज मैं ही आपको हर Thank you.
आने वाली मौत को देखकर कैसा लगा मिस्टर एंडरसन? क्यों डर गए ना? गुजार हूं मैं आपका, आखिरकार आप ही। वाकई शुक की जिंदगी से तो मैंने मकसद सीखा, मतलब इस जिंदगी का अंत होना है। जिंदगी का